और जो लोग बाग मेरे के ना हुए तो बन बे बुझे में माल बहुत जा मैं माली सब्जी में चिए जरा तो मैं बन यो जुआ मरती की बोतल भर दूँ इक अंदर यो पाइप में गैस बन जा जी गैस गैस रहेगी बा अठन चली जा जी रसोई में। तो मान लो थारा घर में थे गैस सिलेंडर भी कौन रखो, यो भी गोबर की ही गैस हूँ जो अति गाय बान रखी 25 गाय बान रखी भैंस भी बान रखी ही तो आने को दूध कैसे काटो मेरे तो यह कहानी कौन समझ में आई। आपको मशीनों काटा मशीन लगा की और कोई को हाथों काट दिया। तो आपने झूठने जिला का सांसद साहब नरेंद्र जी खिचड़ ही जका भी मेरे कने अठे मेरे देखने आया की झलको झुंझुने को माने वो वीडियो देखो और बहुत ही बढ़िया लगे। फ्लिकी प्रस्तुत करता है झलको राजस्थान शो। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ झुंझुनू जिला के अंदर नवलगढ़ तहसील आवा है। नवलगढ़ तहसील के अंदर देलसर खुर्द अड़े आप धर्मवीर जी खिचड़ के खेत में है बड़े पहुंचे हाँ। अंकल जी जो थे आ गाय ई गाय कन थे पहली कहे लेके आये हो इके बारे में बताओ। यह मेरी बहुत ही फेवरेट थार पार कर बाछी है और इको नाम नंदनी है। तो यह बहुत ही शुभ स्वभाव की है, बहुत ही ठंडे स्वभाव की है और सुबह सुबह डेली आने देसी गाय या बाछी है बिको नाम है वो है आपने साहिला और हाँ और या है नंदनी बा बसंती बा कुशी है ये इको नाम काली है मतलब सगड़ी नाम प्रसिद्ध है। मतलब सबका नाम अलग अलग काट रखे तो थर गणती गाय थर याद भी कह रहे की बा फलानी बा है जया मान लो बा जमुना है देखो बा गाय परली परली है बा जमुना है सारा को नाम है एको नाम दौड़ी है या नंदनी की माँ है। तो या मेरे के शुरुआत में या होगी देख लो ते 13-14 रुपया है या अब इन्हें मैं यहाँ देखूँ कि मतलब बुढ़ी है ही तो कि यही सेवा कराँगा इन घर बस रख या और सुबह सुबह ने बढ़िया एक बार आंख ऊपर हाथ हूथ फेर दूँ जनाया आराम हो खुश हो मतलब सुबह उठ की पसों पहली गाया सक पहले मैं नहा धो के दीवाबत्ती करके और पहले चोट गाया का नाऊ गाया नीचे एक रोटी दीवान और भी के बाद का मैं आके ऊपर से हाथ फेर दूँ से मेरो इंतजार कर बोकरे कि कना से अपन रोटी मिला कना से कने कत्ती गाय ही लगभग मेरे कने लगभग 20-25 गाय तो 20-25 रोटी तो थाने गाया के लिए बनानी बिल्कुल देनी पड़े। अंकल जी मैं एक चीज नोट करी हूँ कि लोग ही भाई फर्श तो क्या ले गाली भाई इससे माटी में या की गाय भैंसी पे बांधी तो थे इजा फरसा पर बांध रखे हैं कि खाल खुल कौन छुल लगे ना आके खाल भी कौन छुल है और आराम हो ये बैठी रहे हैं और एक गंदगी को ना जा कच्चे का मान बना ना तो भी मैं चीज हो हर चीज सु खोरा का मान बीमारी चालू है। ये पक्के पर बांधने से जो को मन गोमूत्र मिद्र है वो ये पक्के से ये नाली बना रखी नाली द्वारा आपने भी जो चैम्बर बना रखे भी चैम्बर में चले जा। अभी अंकल जी का घर वाला ही आंटी जी आऊं भी आप बातचीत कर से आंटी जी राम 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 राम। तो अंकल जी ने तो काफ़ी बात कर ली, अब थोड़ी सोचा थारों भी बात कर लें जो अति गाय बान रखी 25 गाय बान रखी भैंस भी बान रखी ही तो आने को दूध कैसे काटो मेरे तो यह कहानी कौन समझ में आई। आपको मशीनों काटा मशीन लगा की और कोई को हाथों काट दिया कोई टाइम मिला जिया जा काट बो करा चाल बो करा। अंकल जी जो डरम है ई डरम में थे के की गाल रखे एक कमान है ट्राइको लिक्विड ट्राइकोडर्मा जो जैविक है कल्चर है और एक कमान है 2 किलो गुड़ है 2 किलो बेसन के रेड़ो है यो 15 दिन का मान है 200 लीटर ट्राइकोडर्मा तैयार हो जाओ और यो ट्राइकोडर्मा आज आप बाजार में लाओगा ना लिक्विड तो यो 400 रुपया लीटर का लगेगा आप। अर्थ 400 रुपया में तो पूरा काम ही कर रहे हो और मैं 400 रुपया में कई लीटर तैयार कर रहे हो यो 400 रुपया को नहीं मैं कमान 200 रुपया आधी लीटर ट्राइकोडर्मा दे रहे हो और यो 200 लीटर ट्राइकोडर्मा तैयार हो जाओ 10 दिन बाद में और 10 दिन बाद में चाहे आपने चना में जुआ में और यो आपने जो सब्जी है एक माने चला दो कोई जड़ गलन की कोई बीमारी को ना आवे कमान जय मान लो आप देखा तो सोम पहली अरे खाइयो अठो निकल जाइयो के काम आवे है यो अरे के जो कीटनाशक बनावे है ना बिक ले बिक का काम आवे कीटनाशक में छिड़काव करे है ना स्प्रे करने के लिए वो काम आवे कीटनाशक का माने कमान है जा आंख है नीम है धतूरो है तो इका मान डालो की थे इका मान है आंख नीम धतूरो भी की छानी सी बना की और गोमूत्र मिला की और 3:1 अनुपात का माने मिला की और इका माने गाल दिया इम गाल के इका नीचे आग जलावांगा आग जलावांगा ना इमें भाप बनेगी भाप बन के इका माने आओगो वह भाप ही माओ जी जना इमें पानी जोड़ दांगा पानी की पाइप जोड़ांगा जना पानी इन्हें ठंडो करेगा और नीचे ही गए अरख निकल आओगे और वो अरख आप इकट्ठो कर लांगा इकट्ठो करके जब भी आपने सब्जी का मान स्प्रे करनी होगी कीट की तो भी का मान 300 ग्राम वो आपनों अरख और 300 ग्राम छा मिला के और 1 ढोलकी का मान और भी को स्प्रे कर दांगा
तो भी वो क्या कीट आने से पहले ही कर देंगे तो कीट आओगे ही कोई भी। अब यो कमान पानी आ रहा है, गोबर गिर रखो है और यो कमान रोड की पानी पड़ जाओ ना पतलो जाओ अब यो पतलो अच्छा। अब अंकल जी अभी यो कठे जाओ अब यो यो खोलांगे आप। हाँ तो खोल दियो ठीक है। ओ चले गए कमान ओ कठे जाओ यो ई कमान जाओ यो ई कमान जाओ यो के ढोल को सो अंदर बना रहे। हां यो चेंबर बनाए तो है कमान जाओ और इमो फिर जो को वेस्ट निकला को वो आगे निकल जाओ और इमे वेस्ट तो आगे निकल जाओ और ई के अंदर ई के अंदर वो पाइप में गैस बन जाएगी। गैस गैस रहेगी बा अठी चली जाएगी रसोई में। तो मान लो थारा घर में थे गैस सिलेंडर भी कौन रखो यो भी गोबर की ही गैस हूं 12 साल का मान ओ सिलेंडर बपराई को। अच्छा बस एक गैस में काम गैस में काम ले रहा। और अब आप लोग जो कोई गैस दे की लोग बाग गैस महंगा ही होने का कारण से लोग बाग अब गैस ये गोबर गैस बनवाओ लगा और ये काम में ले लगा। तो एक अपनों गोबर लगा मेहनत लगा जेरो पानी जेरो और छोड़ दो और आपने रसोई का मान एक चूल्हो मिल लो जितो गैस सिलेंडर चलाना चाहवा ना भी हूँ ज़्यादा मैं काम में ले रहा। मतलब सिलेंडर तो जो थोड़ो या कम खर्चों करके कम बरते इन्होंने मतलब 24 घंटा यो ही बरता तो ना तो ही कमान कोई गैस खत्म हो ना कोई स्मेल आवे ना कुछ क्यों ही कोई नहीं बहुत ही बढ़िया है। अगर जो भी कोई बनवाना चाहे तो कमान है लगभग 15,000 रुपया वो खर्चो है। 1,000 ईंट लागे 10 कट्टा सीमेंट का लागे और कोई कांकरी वो मिस्त्री की मजदूरी लागे। जो यो टंकी सो थे टंकर सो बना रखे ओद सो एक माने यो के गाया को मूत्र आ रहे इमें गाया को गोमूत्र और गोबर गैस की सैलरी दोनों मिक्स हो रहा है। अच्छा अच्छा। और यो मिक्स हो कि यो बड़ो जो कुंड है ये कुंड का मान यो छनकी और ये कमान जा रहा है जय मान लो साफ साफ है वो छनकी चल जाए जाए भाई। हाँ। कोई फूस को पांडो जो भी पांडो वो कौन जा तो यूं के इमें जाने से भी मैं क्यों होगो इमें जागो ना जना भी मैं फुहारा कमान कमान छनकी चले जागो तो फुहारा कमान फुहारा बंद कौन हो फुहारा चाल बुक रहे और यो पंप लगा रहा क्यों तो ये पंप द्वारा फुहारा में ड्रिप में चाल बुक रहे यो। फिर यो अठन यो वेस्ट डिकम्पोजर का ड्रमिंग तो ये वेस्ट डिकम्पोजर कमाने जीवाणु पैदा हुए बड़ा बड़ा जीवाणु देखो कमाने जीवाणु पैदा हो रहे हैं तो जीवाणु भी खेत कमाने यो जागो ना इन्हें भी फुहारा में भी चलाऊंगा तो खेत में जितो भी कचरो पड़े है वेस्टेज पड़े है वो वेस्टेज कचरो सारो यो वेस्ट डिकम्पोजर इन गड़ा देगो और खेत कमान है खेतवा की भी उन्नपत्ति ज़्यादा होगी और भी कचरे की खाद बना देगो तो भी दिमक दमक कोई रोग को ना हो। यो जीवामृत को प्लांट है तो यो जीवामृत को प्लांट है कमान है गोबर है गौमूत्र है बेसन है गुड़ है सहलन है की चटनी छाय जो सरसों की खड़ है वो खड़ कमान है 2-2 किलो जेर की और पानी को भरकेर एक डेली को एक ड्रम कमान है जीवामृत को यो जो प्लांट है कमान छोड़ जाए 200 लीटर जीवामृत तैयार हो जाए वो आगे छान लिया बिन और छान की के बाद कमान है वो फसल कमान है जड़ा कमान चला जा बिन फुहारा में फसल में ड्रीप में सारा में। और जो लोग बाग मेरे के ना हुए तो बन बुझे में माल बहुत जा मैं माली सब्जी में किए जा रहा तो मैं बन यो जीवामृत की बोतल भर दूँ और 50 रुपया लीटर का ले लूँ और बन दे दूँ बेर तो एक रिजल्ट बहुत ही शानदार रिजल्ट आवे बहुत ही शानदार आवे कमान बहुत ही बढ़िया तो ग्रोथ करे और नीचे जड़ा में कोई बीमारी। अंकल जी था ना गाइड कौन करी ये चीज माने बताई कौन ही है कि भाई यहाँ कर कहीं कोई कौन है मेरे दिमाग में ही जाए उपजी मैं पहले जीवामृत ड्रम में बनाया करता हूँ छोटे 200 लीटर के ड्रम में जीवामृत बनाऊ तो भी मैं क्या पूर्ति को नहीं होया करती तो अब मैं सोचियो कि क्यों ना कोई बड्डो करा जा मैं कोई यूट्यूब पर देखी और गुजरात का मान कोई यूट्यूब पर वीडियो बने हो वो देखो और भी का नंबर लेके पा मैं यो प्लान बैठो मंगवायो या कंपोस्ट खाद है वर्मी कंपोस्ट खाद बोलो इन्हें जो केसवा की खाद है तो ये कमान अब ये केसवा की खाद तैयार हो रही है कमान तीन कमान और जै खाद तैयार हो जाएगी तो इन्हें छान के और एक जगह इकट्ठी कर लेंगा जब भी कोई फसल कमजोर होती दिखेगी या कोई बहुत जो कमजोर है तो भी कमान या एक किलो यूरिया की नहीं और छिड़काव कर देंगा तो मतलब यूरिया की जगह थे यो ही छिड़काव कराएंगे स्प्रे की जगह तो जो हर्बल स्प्रे है जो अरकाटा हाँ वो और अपना जो युवामर्त है यो काम में लिया और जो जड़ा का मान है और दियो जहाजा भी जड़ा का मान है या कंपोस्ट खाद है और आपने गोमूत्र जो को गोबर गैस की सैलरी है भी को मिक्सर है
वो खाद को काम में ला। अंकल जी थाना आज तक सम्मान है कठे कठे कुट सके हैं लोग कड़े कड़े कर सके हैं। सम्मानित मैंने 4-5 बार मुरार का फाउंडेशन का मायने सूर्य मंडल में नौलगढ़ में होगो, 2-3 बार आपने कृषि विभाग से भी मिल गो, मैंने 3 बार कृषि विभाग से कृषि विज्ञान केंद्र से भी मिल गो और 1 बार दिल्ली का मायने कृषि विज्ञान केंद्र वाला लेके गया है बटे सम्मानित करया। और आंटी जी भी सम्मानित हुए? हाँ अब की बार जिला स्तर पर सम्मानित हुए। आपने पहली भी थे एक बार जलको झुंझुनू वीडियो बनायो मेरो, तो वो वीडियो देख के लोग कई दूर तक लोगों का बहुत ही बढ़िया जत्थे और मेरे कन आया। तो आपने झुंझुनू जिले का सांसद साहब नरेंद्र जी खिचड़ ही जका भी मेरे कन अठे मेरे देखन आया कि जलको झुंझुनू को माने वो वीडियो देखो और बहुत ही बढ़िया लागो, तो मन में आके बोला मैं थारी या प्रशंसा सुनी वीडियो का माने बहुत बढ़िया लागो माने, तो मैं आज थारकन यो देखन आया और बहुत ही बढ़िया बतायो। तो आप मोटी मोटी बात बता दी, कई लोग यहाँ का किसान भाई भी हैं, कोई युवा साथी भी हैं और बड़ा बुजुर्ग भी हैं, तो बेथारकनू सारी चीज को प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए तो कहीं ऐसी जानी मतलब अर्थे सिखा भी सको कि भाई 1-2 दिन राखी भाई यहाँ करना है और यहाँ चीज उपलब्ध। हाँ मैं अच्छे सारी बात बता दूंगा, कोई भी सीखना चाहो मेरे को ना हो क्या की करना है क्या जीवामृत बनानी है भाई बात बताऊंगा, गौमूत्र वेस्ट डिकम्पोजर क्या बनाना है और सारो वो बिको प्रोसेसिंग है ना वो मेरे को आके पूछो और लोगों ने मैं बताऊं भी आऊँ भी मेरे को और सीखी जा भी हूँ और लेके भी जा रहे हैं कुछ करें भी हैं करें भी लागा। ठीक है अंकल जी, जो नर्सरी में कुछ बोझा 12 में ले रखे हैं तो ये कठाऊ कौन सी नर्सरी में ले? ये गंगा बाड़ी बेरियो ले लोग बाग हटे आनिया जानिया ही बहुत सब पूछे हैं कि माने भी थे उपलब्ध करवाओ या मान बताओ कठे लिया। अच्छा, तो मैं अब गरा ही नर्सरी कर ली जो अठे ही उपलब्ध करो। और मैं बात करूं तो अठे अंकल जी पूरा बोझा ही बह मौसमी का ही लगा रखे जो 1-2 ही किन्नू का बोझा, और किन्नू की भी बात करूं तो लगभग 100 ग्राम का समथिंग तो है ही हो। और एक जो जो किन्नू है बिल्कुल मतलब स्वाद आए है देखा तो, क्योंकि इतनो टेस्ट आए है न बिल्कुल खट्टो लगे है न ज्यादा मिठो लगे है देखा तो, जो छोटा छोटा बोझा ही बक भी काफी सारी मौसमी ही बह लाग रही। एक तरीका हूँ यो 4.5 बीघा के अंदर 500 पेड़ लगाना बाग सोई हो रहे है। में एक खास बात हो रहा है कि पेड़ लाग रहे ही पेड़ का साथ साथ में नीचे है भी सब्जी की तैयारी है बात चल रही है, अभी तो लगाई को नहीं गई है कठे खड़े लगा दी है जहाँ मिर्च है गोभी है टिंडा भी जा बोरा खे सब्जी जितनी भी हुई जहाँ आलू है टमाटर है और मिर्च ही और टिंडा घिया काफी सारी सब्जी ही बह साथ साथ में बोरा। तो मैं इजा की मैं बात करूँ तो किन्नू ही बह अभी थोड़ा थोड़ा लगान लाग रहे है, तो इजा छोटा ही कई किन्नू ही बह ने काट दिया गया है तो वह किन्नू फूटन लाग रही तो इजा काफी सारी सब्जी ही बह बोरा खी। मतलब किसान है वो एक चीज के साथ में डबल डबल लाभ है वो उठा रहे कि भाई एक तरीका जो मौसमी बारा की तो बाका भी मान लो कि रुपया रहे ही और नीचे सब्जी बारे ही बाका भी रुपया होगा। आज के वीडियो के बारे में थे के सोचो हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो है इन दबा के शेयर करो जत्तो थे शेयर कर सको बतो शेयर कर दो ताकि किसान भाई ही बात तक ये वीडियो है वो पहुंच जाए। और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी है बाबी दबा लियो। जय हिंद जय राजस्थान।